हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। इसका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्या टारगेटेड प्राइस रहने वाले 2025 और 26 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, यह है हमारे शेयर का ग्राफ। अगर हम पिछले एक साल की बात करें और तो आप देख सकते हो शेयर में कंटिन्यूस जो है बहुत उतार चढ़ाव देखने को नज़र आए हैं और शेयर जो है अच्छे रिटर्न नहीं दे पाया है, कंपनी में अच्छे बुक ऑर्डर्स नहीं है एंड जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, यानी कि अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। इसी वजह से शेयर की वैल्यू भी नहीं बढ़ पा रही है। बात करें पिछले हाईएस्ट एंड लोएस्ट की तो आप देख सकते हो 52 वीक्स का हाईएस्ट रहा ये, आप यहाँ पे सारा डेटा देख भी सकते हो, लोएस्ट जो रहा ये रहा। ठीक है, बात करते हैं एक बार शेयर अपना हाई टच करके आया 15 रुपये, देन उसके बाद में शेयर के भी कंडीशन आप देख सकते हो 9 रुपये पे अभी चल रही है, हाईएस्ट टच किया था इसने अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, बात करते हैं आने वाला समय कैसा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा डेटा देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन नहीं करते हम लोग क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जाती है। बात करते हैं मेन टारगेट्स के बारे में 2024 के एंड तक जाते जाते ये शेयर जो है जैसे अभी आप देख सकते हो 10 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं 2024 के एंड तक जाते जाते शेयर 17 रुपये के आसपास के आंकड़ों को टच कर लेगा, प्लस माइनस का 10 to 15 आप करेक्शन करके चलना इसमें, इसके आसपास ये आंकड़े रहने वाले हैं। अभी फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए यही इसके टारगेटेड प्राइस रहने वाले हैं आने वाले सालों के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और आपको इसके बारे में क्या राय है, आपके क्या फंडामेंटल कहते हैं, यानी कि आपकी क्या राय कहती है शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर फिलहाल की कंडीशन देखी जाए तो यही टारगेटेड नज़र आ रहे हैं। अगर बात करी जाए आने वाले फ्यूचर की तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर में तो किसी का कुछ नहीं पता, एक गलत कदम अच्छी बड़ी कंपनी को डुबो देता है और एक अच्छा कदम डूबी हुई कंपनी को उठा के रख देता है। तो आप समझ सकते हो सारा जो डिपेंड रहता है वो कंपनी के कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं, कहां से ऑर्डर मिलते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, कैसे कदम उठाती है। बाकी अभी फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से तो यही टारगेट रहने वाले हैं। बाकी आपकी कोई और राय हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसके रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।